हे लवली पीपल, दिस इज शेफ अमित वशिष्ठ और आपका बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर। हाँ जी, ये वही चिली पनीर है जिसे आप हर पार्टी में खाते ही खाते हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली इंडियन चाइनीज डिश है और इसे हर कोई बहुत पसंद करता है। तो आज हम ये चिली पनीर बनाएंगे बिल्कुल होटल वाली स्टाइल में। और जब आप स्नैक्स के लिए कोई चीज़ बनाएं तो उसका साइज इतना ही होना चाहिए कि आप उसे टूथपिक से उठाकर अपने मुंह में डाल सकें। पनीर पकौड़े जैसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ लेयर इतनी होनी चाहिए कि वो क्रिस्प हो जाए और अच्छी कोटिंग आ जाए। तो इस समय मैं इस पनीर को टेस्टी बनाने के लिए आपको दे रहा हूँ एक शेफ ट्रिक। इस समय हम इसमें डालेंगे, नहीं सुना होगा शायद, पर ट्राई कीजिए इस तरीके से भी। वाओ, ये देखिए कितने लाइट पनीर बने हैं और ये कितने क्रिस्प हैं, इसकी आवाज़ से पता चलेगा। ये देखिए, अब क्योंकि मैंने जिक्र किया है कि सबसे अच्छा चिली पनीर देहरादून का था, तो वहाँ के शेफ का एक सीक्रेट था कि वो अपने चिली पनीर में डालते थे। ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा। तो चलिए, सारी तैयारी हो गई है, यहाँ से इस डिश को बनने में 5 मिनट लगने चाहिए। तो देखिए तैयार है 25 मिनट में आपका चिली पनीर और आप इसे खा के कहेंगे ये होटल से किसी भी हालत में कम नहीं है। तो जिसे आप अपने घर में बड़े आराम से बना सकते हैं। तो अगली बार चिली पनीर बनाना हो तो इसी तरीके से बनाइए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। सबसे पहले काट लेते हैं पनीर। मैं इसके ऐसे 1/4 कर लेता हूँ, ये देखिए। और अब हम इसे ऐसे डायमंड शेप्स में काट देंगे। और इसी बीच में मैंने तेल चढ़ा दिया है, यहाँ पे गैस मंदे पे है। अब इस पनीर को इस बोल में ऐसे डाल लेते हैं और इस बोल में इसे डालने से पहले डाल लेते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। अब ये पनीर जा रहा है इसमें, इसे आप ऐसे फैला कर डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा नमक। तो नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं ये क्रश पेपर, थोड़ा मोटा मोटा पेपर आपको इसमें डालना है। कॉर्नफ्लावर ऊपर से भी डाल देंगे, ये 1 चम्मच मैंने इसमें फ्लावर डाल दिया है। सो कई तरीके हैं पनीर को फ्राई करने के, आप चाहें तो इसका एक बैटर भी बना सकते हैं, बट इसकी वजह से एक बहुत ही पतली सी लेयर आएगी पनीर के ऊपर। तो मैंने एक बार इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर और अब मैं इसे ऐसे मिक्स कर लेता हूँ। तो इस समय मैं इस पनीर को टेस्टी बनाने के लिए आपको दे रहा हूँ एक शेफ ट्रिक। इस समय हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, नहीं सुना होगा शायद, पर ट्राई कीजिए इस तरीके से भी। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट अब हम डाल रहे हैं, इसे भी एक बार मैं हल्के हाथों से इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ये इवनली कोट हो गया है, ये सब पीसेस अलग अलग हैं इस समय। और इसमें मैं डाल रहा हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बस 1 चम्मच। तो लीजिए जी, एक हल्की सी कोटिंग ये हमारे पनीर पे आ गई है, देखिए। तो लीजिए जी, पहला काम हो गया है, पनीर मैरिनेट हो गया है, पनीर को हमने बैटर में भी लगा दिया। अब जरा सबसे पहले पनीर फ्राई कर लेते हैं, एक बार जरा तेल चेक कर लेते हैं, ये ठीक है, मीडियम है। अब हम इसमें पनीर डालना शुरू करेंगे। जब भी काम करें अपनी सेफ्टी ध्यान में रखें, आपको इसे हाथ में उठाकर डालने की ज़रूरत नहीं है, चम्मच से आप थोड़े सेफ रहेंगे। तो देखिए ये पनीर अब फ्राई हो गया है, काफ़ी क्रिस्पी पनीर बनेगा ये। ये देखिए पनीर कुछ ऐसा लगना चाहिए और इसे अब हम अच्छा क्रिस्प कर बाहर निकाल लेंगे। तो पनीर हो गया फ्राई, तेल हो गया ऑफ। अब कर लेते हैं थोड़ी सी सब्जियों की तैयारी। सब्जियां काटने के लिए आपको कोई फर्स करने की ज़रूरत नहीं है, चिली पनीर में सिर्फ हरी शिमला मिर्च डलती है। अगर आपके पास घर में एक हरी शिमला मिर्च है तो भी काम बन जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ लाल वाली भी है और पीली वाली भी, तो मैं इसमें थोड़े से रंग भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले शिमला मिर्च काटना शुरू करते हैं, हरी वाली को ही सबसे पहले काटते हैं। ये शिमला मिर्च को ऐसे हाफ कीजिए और इसको भी 1/2 कर दीजिए बस, और इसको ऐसे ट्राइंगल्स में काट लेंगे। अनइवन ट्राइंगल चलेगा, बस साइज पनीर के साइज के ही होने चाहिए। अब थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च मैं इसमें डाल रहा हूँ, बस एक छोटा सा पीस, इससे थोड़ा कलर आ जाए। और थोड़ी सी ये येलो वाली। अब कर लेते हैं प्याज को चॉप। ये चॉप प्याज है जो है हमारी सॉस में जाएगी और इसके लिए हम अलग से डाइसेस भी काटेंगे जो हम शिमला मिर्च के साथ ऊपर से डालेंगे। आपका चाकू ऐसे पास पास चलना चाहिए प्याज के, और इसी तरीके से बाकी प्याज भी अब हम चॉप कर लेंगे। तो प्याज को चॉप करने के बाद अब हम इसके डाइसेस बना लेते हैं। छिलका हम इसका हटा लेंगे और इसे ऐसे 1/3 में काट लेते हैं, और इसे हम ऐसे बस हल्का हल्का निकाल लेते हैं। ये हमारे प्याज भी तैयार हो गए। प्याज मैंने आपको चॉप करके दिखाए, पर ये लहसुन और अदरक मैंने पहले से चॉप करके रख लिया है,
दोनों फाइन चॉप किया है मैंने। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये चिली पेस्ट। ये चिली पेस्ट मैंने बनाया है मिर्ची को उबालकर और उसका एक पेस्ट बनाकर। अगर आपकी मिर्ची बहुत तेज़ है तो थोड़ा कम डालिए, वरना अगर आपकी कश्मीरी मिर्च है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे हमें हल्का सा लाल रंग मिलेगा। तो चलिए, सारी तैयारी हो गई है। यहाँ से इस डिश को बनने में 5 मिनट लगने चाहिए। गैस ऑन हो गई है और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये ऑयल। थोड़ा ही ऑयल डालिए आप। तो जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, मैं 2 चिल्ली को भी स्लाइस कर लेता हूँ। तो ये रेसिपी है बिल्कुल सिंपल, आपके घर में ये सारी चीज़ें होती ही होंगी। आपको सिर्फ पनीर बाहर से लेकर आना है, कॉर्नफ्लावर भी आजकल घर में होता ही है। बस मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया है, जो आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। ये मेरे पास एरोमेट पाउडर है। तो तेल हो गया गर्म, अब ये प्याज जाएंगे इसमें फटाक से। ये लीजिए, प्याज डालने के बाद इसे थोड़ा चला लेंगे हम। चाइनीज़ खाने में कुछ ब्राउन नहीं करना होता, चाइनीज़ खाने में सिर्फ जल्दी से स्टर फ्राई करना होता है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये अदरक और लहसुन, थोड़ा सा आप डाल देंगे इसमें। इसे भी आप सौते कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये चिली पेस्ट, और आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा। इसे भी थोड़ा चला लेते हैं, और अब ज़रा आँच को बढ़ाकर इसमें डाल देते हैं थोड़ा पानी। मैं पानी बिल्कुल कम डालूँगा। तो जब तक ये पानी उबल रहा है, इसी बीच में हम बना रहे हैं थोड़ी कॉर्नफ्लावर की स्लरी। इसे भी बनाने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। ये मैंने बोल में थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल लिया है, और इसमें मैं डाल रहा हूँ पानी। और ये आपको थोड़ी पतली स्लरी बनानी है, क्योंकि अगर आपने गाढ़ी स्लरी बनाई तो थोड़ा सा डालते ही सॉस बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो लीजिए जी, ये स्लरी भी हमारी तैयार हो गई। अब इस सॉस में हम डालते हैं नमक। हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा एरोमेट। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये पिसी हुई काली मिर्च। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा चिली पनीर खाया था देहरादून में, आज से करीबन 20 साल पहले। मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए 20-22 साल हो गए आज, और मैंने वैसा चिली पनीर आज तक नहीं खाया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी फेवरेट चिली पनीर की दुकान कौन सी है, या शॉप कौन सी है, या रेस्टोरेंट कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं भी वहाँ जाके ज़रूर ट्राई करूँगा। आखिरकार बहुत दिन हो गए हैं अच्छा चिली पनीर खाए हुए। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा विनेगर, और साथ में थोड़ी सी सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ी सी सोया सॉस डालनी है आपको। तो इसका रंग बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हमें गाढ़ा का रंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना गाढ़ा चाहिए कि पनीर के ऊपर कोट किया हुआ अच्छा लगे। अब क्योंकि मैंने जिक्र किया है कि सबसे अच्छा चिली पनीर देहरादून का था, तो वहाँ के शेफ़ का एक सीक्रेट था कि वो अपने चिली पनीर में डालते थे थोड़ी सी केचप। ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, शायद इसीलिए आपको लगता होगा कि होटल वाला चिली पनीर इतना टेस्टी कैसे बनता है। अब हम इस सॉस में डाल देंगे सारी सब्ज़ियाँ, ये चिली, और मैं गैस को मंदा करके जल्दी से काट लेता हूँ ये स्प्रिंग अनियन भी। ये मैंने इसमें अभी डाल दिया है, और ये स्प्रिंग अनियन के ऊपर वाले पार्ट को मैं अच्छी तरह फाइन चॉप कर लेता हूँ। तो लीजिए जी, स्प्रिंग अनियन तैयार हो गई। अब मैं गैस को थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ, और मैं इन सब्ज़ियों को इसमें ऐसे टॉस कर दूँगा। इसमें कमी है थोड़ी चीनी की, तो मैं चीनी डाल रहा हूँ, क्योंकि हमने विनेगर डाला था तो उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और मैं साथ में डाल रहा हूँ थोड़ा और एरोमेट पाउडर, मुझे फ्लेवर थोड़ा कम लगा। अब ये सॉस थोड़ी पतली है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी स्लरी। आप इस समय इसमें अपने ये पनीर के पीसेस डाल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस पनीर को एक बार और फ्राई कर सकते हैं। हम होटल में सब तैयारी करके रख लेते हैं, जब ऑर्डर आता है तो हम पनीर को एक बार और फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि वो क्रिस्पी हो जाता है। तो ये थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन हम इसमें डाल रहे हैं अभी, ये देखिए बहुत खूबसूरत लगेगी। और अब बस हमें इसे ऐसे टॉस कर देना है। और इसे हम कर देते हैं बंद। तो देखिए तैयार है 25 मिनट में आपका चिली पनीर, और आप इसे खा के कहेंगे ये होटल से किसी भी हालत में कम नहीं है। तो जिसे आप अपने घर में बड़े आराम से बना सकते हैं, अगली बार चिली पनीर बनाना हो तो इसी तरीके से बनाइए, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा।